गुड इवनिंग. आई होप आई एम ऑडिबल. आई होप यू आर अलाइव फॉर कमिंग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर हैविंग दिस सूप एंड कबाब एंड आइसक्रीम कुछ खा के चले गए. एक दो उनको जाना था कहीं पे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन विद इन 5 मिनट्स. अ फ्यू इयर्स बैक आई हर्ड ऑफ यू. आई वॉन्ट टू वन कोट. If you are worried about being a good teacher, you are already being a good teacher. You are already a good teacher. आप चिंता कर रहे हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ या नहीं, आप अच्छे टीचर हो ऑलरेडी. ये सोच रहे हैं मुझे इसके बारे में कुछ काम करना. So thank you very much. So I'll be discussing, right? Let me tell you like professions. You know, there are 2-3 professions are there after doing law. मुझे भी बड़ा लॉ नहीं करना था. I didn't want to become a teacher. I'm an accidental teacher, let me tell you. Like accidental prime minister, there's a movie. So I'm an accidental teacher, you can say. So again, why we are not exploring other things, right? As a law teachers, we have to showcase in this our curriculum while teaching or doing any other kind of activities. As a teacher, right? Everybody is teaching, visiting, or full time. Can you do some entrepreneurial activity while being in your profession? कर सकते हैं आप? Yes or no? कर सकते? करके देखिए ना, तुम मुझे बताओ. अपना काम करो, कोर्स पढ़ाओ. इवोल्यूशन करो, ये काम एडमिन काम ये सब करो, इनोवेशन में जाओ, बस यही होगा. डार्क सारी स्लो. हाँ आपने बोल दिया, आप करके देख लेना. नहीं कर पाओगे, राइट? लॉट ऑफ चैलेंजेस विल बी देयर. करके देख लेना, राइट? सो अगेन, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपने, चलो आपको बहुत सारे ने हाँ हाँ बोला, क्या कर सकते हैं आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए टीचर? व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी यू कैन डू बीइंग इन अ फुल टाइम प्रोफेशन? 9 बजे आए, पंच लगा दिया है, 12 मिनट मुंह दिखा दिया, पंच हो गया, 12 बजे फिर निकल गए पंच करके या शक्ल दिखा, हो गया आज का दिन खत्म. क्या कर सकते हैं बताइए? 3-4 क्लास थके आ रहे बैठे हुए, कर सकते हैं? जस्ट थिंक, राइट? आपने हाँ बोला, जवाब दीजिए मुझे. हाँ हाँ लिख रहा, क्या कर सकते हैं बताइए? जस्ट थिंक, राइट? नाउ लुक एट दिस, देयर इज एन एंटरप्रेन्योर वर्ड आपने सुना होगा. Entrepreneurship is a very common thing. अभी तो आपको पता होना चाहिए. Now look at this. Entrepreneur business को चालू करता है, right? Different nomenclatures आ रहे हैं. Woman को चालू कर रही है तो womanpreneur, techpreneur, couple मिलकर कुछ चालू करते हैं तो couplepreneur. Law में आ रहे हैं nomenclatures का मतलब legalpreneur. This is a term called intrapreneur. You are in particular organization and you are doing some activities and you are getting reward from that. That is called intrapreneurship. तो that's the way आप उसके बाद कुछ कर सकते हैं. Another, like, you know, COVID time, I don't know how many of you using sanitizer and mask before the corona. Hardly very, very few, I would say 0.001% for the, you know, some dikhane ke liye bhi, haan, mere paas sanitizer hai. Right? So, disaster bina. This terminology come up disaster bina. Bahut saare academics mein law courses, they have come up with, okay, let me start something in the legal field in this corona time. Now, look at this type, legal startups, aapko kya samajh mein aata? What do legal startups? ज्यादातर बोलते हैं कि लाइक ओके लॉ फर्म्स आते हैं, मैं सीनियर हूं, मेरे आगे पीछे 100 जूनियर घूम रहे हैं. दैट इज नॉट अ लीगल स्टार्टअप. प्रैक्टिसिंग, राइट? यू आर रनिंग अ लॉ फर्म, आपके पास 100 और 200 जूनियर्स है, राइट? इट इज नॉट अ लीगल स्टार्टअप अंटिल अनलेस यू आर डूइंग सम इनोवेटिव अप्रोच. वी आर इनटू लीगल सर्विसेज, दैट इज अ नीड ऑफ इनोवेशन, राइट? दैट इज कॉल्ड द लीगल स्टार्टअप. नाउ लुक एट दिस, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज B2B? देखो हर चीज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं. मैंने BBA MBA नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा है, राइट? सो B2B, B2C, B2G, B2F, दिस आर द टर्मिनोलॉजी. नाउ लुक एट दिस, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा है, लेट मी टेल यू, लाइक 95% ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन डू सम इनोवेटिव एक्टिविटीज, आप उसमें कर सकते हैं, राइट? डिफरेंट नॉर्मली, फॉर एग्जांपल B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मुझे लॉयर चाहिए, ठीक है? गुजरात में, अहमदाबाद में मुझे लॉयर चाहिए, जो सिविल में प्रैक्टिस कर रहा है, ओके, आई कैन क्लिक एंड गेट द लॉयर. आई कैन डू माय कंप्लायंस थिंग्स एंड इन B2B. Finding a lawyer, contract management, government, they also need innovation. Some of the talks are, what is the need of government, they are doing some innovation. Government ke paas itne saare resources nahi hai, right? They need a support from outside. So in that also you can come up with some app or for judiciary or anything platform. And business to lawyer, right? So lawyers, lawyer, networking, compliances, court mail, analytics, legal education, trainings. So these are the way you can think your subject, where you are the subject particular field. And 95% of the subject, there is a possibility. Now look at this. I hope you are aware about this platform called Supace, SUPAC. Kabhi suna hai? Kis kisi se suna hai? Ek.
आप सोच सकते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, कभी बैठे बैठे गूगल भी कर लिया करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठ के खाली से टाइम पास करो, बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी रील्स सोशल मीडिया पे नहीं आती, रील्स में देखने मजा आता है ऐसे करके ऐसे चक्कर पर आराम से देखे जा रहे घंटों घंटे, कभी वेबसाइट भी खोल के देख लिया राइट। सो न्याय बंधु है, दिस आर दैट लाइक इनोवेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। नाउ लाइव ट्रांसक्रिप्शन पता है आपको, सुना ट्रायल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। नाउ लुक एट दिस, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड नोमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, दो भाई और एक फ्रेंड ने मिलकर दे स्टार्टेड। सो एक बड़ा भाई, आई डोंट रिमेंबर द नेम, फ्रॉम द बैंगलोर, he was practicing abroad and then arbitration hamare wahan pe, like there is a live transcription and arbitration, why it's not in India, he came and developed this thing and there was a meeting at Delhi, accidentally they met Chief Justice of India, they called him, why don't you come in, and then they run this trial. So this is like, and then they did there's a case for Chief Jana, this live transcription you might have seen some of, just if you are not seen please just go through it. Now difference, you know, legal startups are there, कोई भी सब्जेक्ट पर, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई होप यू आर अवेयर अबाउट टू थ्री मे बी फोर फाइव आफ्टर ऑफ दिस राइट, लाइक नो वी आर यूजिंग केस माई लॉ पर्पस, केस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड लीगल लीगल अवेयरनेस, दिस लॉ लॉ रूम्स एंड देन लॉ लर्नर्स फॉर कोर्सेस, सीआरटीसी इंटर्न्स, देयरफॉर द इंटर्नशिप, तो डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो स्टार्टअप्स आर देयर एंड फॉलोइंग इट डिफरेंट कैटेगरीज। नाउ लुक एट दिस, एवरीबॉडी यूजिंग, दे हैव कंप्लीटेड वन डिकेड राइट, they were the law students. Recently, I went to NUJS. I offered a course, value-added course on legal startups and entrepreneurship. So very good experience, and I was expecting there will be like, you know, LLM students. I was surprised. Our problems kya hoti hai? Kuch kuch law college mein they are running BBLLM. So they don't get a flavor of the startups. Nahi hota hai. Anyway, Delhi is same thing. I have, you know, talking with the faculty, BLLM, PA, kuch nahi kar sakte hai. And then NUJS also, these are the limitations are there, but again you can offer this kind of value added courses, other things, some activities, there is a possibility. Again, he was in second year, then he started Law Octopus, everybody using, yes or no, the complete date of one decade, this plus, you know, saal ho gaye kaam karte. In that case, so I would say, bahut saari cheeze, if you listen to Tanuj and Ramanuj, I would say लगता है कि they are frustrated students. Frustration किसने generate किया है? हमने as a teacher, कि हमने कुछ नहीं दिया, हमने ऐसे ही पढ़ाया वैसे, लेके खान सर, मैंने बराबर खान सर का रील आपने देखा होगा, used to share है देसी भाषा में कि भाई in that case schools में 40 में से 39 बराबर 39 नंबर मेरा स्थान आता था, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं होने वाला राइट, देन यूज टू हैपन, कोई उसको अच्छे समझाता था तो ओहो, देन पता चला कि प्रॉब्लम टीचर की मेरी नहीं, then he started making video lot of things, so ye cheez, so you can have to generate those thing interest, kaise aap kar sakte Locktopus law school corona mein chalu hua, Tanuji started when he was second year, he used to go in cyber cafe and he used to make a one post every day, this is the story, abhi hamare paas smartphone aa gaye, lot of cheeze hai, bahut saari cheeze hum karte hain wahan pe, you can just imagine cyber cafe mein, I hope aap gaye honge, 10 rupaye ka aadha ghanta, 20 rupaye ka aadha ghanta, fir try to see agar 15 rupaye jeb mein hai to us hisab se pata hai baithe cyber cafe mein, those were the day, and they are doing wonderful job in this area. Now let go through ChatGPT again, we talked in the morning itself, so like this platform called Law Pro Bot, Bot Pro, so again you just try it out, kya reply aata, a student in NUJS mein was in first year, and then sir maine reply kiya moot court ke liye, pata hai taiyari chahiye moot court ke liye, sir sahi jawab nahi aaya, chaat par search kiya uske baad mein jawab sahi nahi aaya, अल्टीमेटली यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी हो, यहाँ पे भी आप देखिए हाउ टू टेक व्हाट एवर यू मेकिंग पीएल, व्हाट यू सी द डिफरेंस, लाइक यू नो द व्हाट इज द रिजल्ट्स, अगेन आई हैव ट्राई टू क्लासिफाई लीगल स्टार्टअप, लाइक ऑनलाइन सर्चेस है, लीगल कोर्सेस है, टेक रिलेटेड प्लेटफॉर्म, वाई ऑन माई प्लेटफॉर्म। अब कोरोना में क्या हुआ, सबको स्टार्टअप करने की खुशी हुई, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, तो बहुत सारे स्टार्टअप आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का छोटा भाई व्हाट्सएप, एक वर्ड आपने सुना होगा कानूनियत, बराबर इंसानियत, तो इंसानियत से बनाया वर्ड कानूनियत, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कुछ नया कुछ नहीं राइट, सो दैट इज एग्जांपल फॉर योर सिंपल वेब, बट देन एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ लाइव लॉ लॉ टॉप पर्सन, बारे में डोंट ट्राई टू डू, यू जस्ट फाइंड योर प्लेस, यहां कुछ कर रहा है, देन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर, बराबर बी क्लियर, और लॉ आफ्टर डूइंग लॉ दे आर चेंज द स्टूडेंट्स, इट नॉट नेसेसरी यू नो आफ्टर डूइंग लॉ आपको लॉ में ही कुछ करना है, मेरे स्टूडेंट आई रिमेंबर आई टीच इट सर ही यूज्ड टू डू मॉडलिंग, सर मैं क्लास में जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, गो ऑन मॉडलिंग, सर गोवा में जाना है, ठीक है जाओ,
That used to happen. CSRK, after doing LLB, they said EDI is there. Otherwise, Belumesh, she did this course, running wonderful, you know, way, Tatka Lori, and she did like BSCC, LLM students. And they started platform for artists. Not necessarily law, mehi kuch chahte banne. There are a lot of things are there. Law, again, studying something different. Don't try to connect. There are some platforms, actually, I was a faculty coordinator at GNW, so I learned these things, right? And developed the legal incubation council, those are the learning. So this, again, the idea was there in 2014, and then gradually it's a company, Section 8 company, not for profit company, registered in 2018. Different the institutions. For example, you can come up with this center or cell or something initiative discussing on startup related. Now, Swati, I think they, she talked about the Prelim Legal Aid Clinic. So there I remember I was sitting there, my office was there on third floor, right? So one evening, one guy called me, I think 5 years back. Sir, mujhe kuch business chalu karna hai, low bono basis. Because if you want to start a business, right, usko zyada paise dene pade. To kam paise pe, right, your student can serve. Contract banana, right, kahin registration kar, that means startup screening can be also thought of. Hamare wa legal aid clinic, legal aid clinic, lot of things are there. If you go to abroad, there are refugee clinic, test clinic, lot of things are there. If you see startup clinic, again, we are working on some in a different way in the legal startup domain. So that's again for the example. Big names are there, NLS, IU, Jindal, campus nahi ho raha hai, sorry to say. Okay? So again, so taking those kind of initiative, you have to push different, you know, come up with different kind of activities. Again, Bennett, they come up with, you know, some activities few months back. And then GNM, they come up with the business plan competition. You know, students from the different law colleges, they came and made a presentation, business plan competition. Everybody aware about the Cyril Amarchand Bangaldas, right? Different activities. Have you heard about this initiative, Pranam? They started, I think, 5 years back. The first cohort, you can see GITC in there, and his name is Mayank. He's a student of UPS Dehradun. He started grateful for internship. Let's again check it out. I'm not going to detail the positive side. Legality related to online documentation. Legal Mind started with 3 engineers. Right? Not necessary. Law wale, which non-law mein chalu kare, non-law wale, right? And this best example, Manu Patra, you know, sir, like, that's a non-law maker. Just, you know, how to solve a problem. Problem can solve karne. Padhai likhai ko connect mat karo. Maine ye padha nahi, ye karunga, don't try to connect this. Something can come to your mind and you can build up some platform. And different, like, you know, law and technology, that's, I hope you must be aware about the most of the prominent think tank. They had a MOU with IIT Delhi. Evidence related to evidence. Hum court mein evidence kaise rakhte hain? Sir, ye exhibit, wo exhibit, ye, right? This will be do. This is like, you know, they help you just check it out. Courtroom animation. This is a USA based company, not in India. Koi particular case kaise ho, they explain with the help of animation. So courtroom animation, this is one of the initiatives. Again, I'm not going into this. Ab family law padha hai. Family law mein kya ukhad lega hai, mujhe batai. Kya kahe hai, please. I fail in family law, let me tell you. Samajh mein nahi aata. Do paper hota hai na, family 1, 2. Chaar kar de, toh bhi mujhe samajh mein nahi aaya. Kya karega, bataiye. Property dispute hote hai, kyun hote hai? Koi barabar last time tak latakte latakte chale gaya. Kuch karke nahi gaya, phir ladho. Will ke liye. So now look at this. While teaching family law, कहीं किसी ने कुछ नहीं सोचा. He is an engineer. You see the article I was reading, like October का ही article. He is an engineer or master, बहुत like wonderful उसने काम किया. Not a lawyer. Asan Will, that is the company they started. एक और भी है, Get Yellow Dot. They are a chartered accountant. 15 years plus from practice. ये engineer है, वो chartered accountant है. Another I remember, a few days back I don't remember. Again, that was in the field. Pick up anything, आप उसमें क्या कर सकते हैं? Right, so you can build up those platforms. Have you heard about the word hackathon? आपने hackathon word सुना है? Yes, एक दो और किसी ने? Right, आपको particular idea पे एक समय के लिए काम करना पड़ा 46 hours, 52 hours, whatever you know. I participated in PDPU hackathon with my students. I was a faculty and then with 5-6 students, 56 hours. आज चालू हो रहा है, परसों खत्म हो रहा है. लगातार आपको काम करना है. In that case, Supreme Court, first time in history, they come up with hackathon for listing and filing to a solution though. It was not open for all, right? It was open till law clerk. They should, you know, give an example, like a suggestion what can be done for listings and then filings, that sort of thing. Now, Smart India Hackathon, right? Different, alag-alag ministry ke alag-alag problems hai.
जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग, एंड ऐसे सेंटर है जो जो अलग अलग सेंटर है हर चीज नहीं बना सकती है, राइट? सो दे गवर्नमेंट कम अभी स्मार्ट इंडिया है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अबाउट दिस थिंग, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री दे हैव पुट अप देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? सो यू कैन दिस आपको पढ़ने नहीं होता अगर केस मैनेजमेंट है, अंडर ट्रायल के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए, देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप पढ़ के यू कैन डिसाइड ओके. आई रिमेंबर लास्ट वन मंथ आई टू स्टूडेंट कनेक्टेड विद, दे आर इंजीनियर्स. एक दे सर आपका मैंने प्रो बोनो इंडिया का इस तरह का मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने, एंड देन सब प्लीज गाइड करिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा देख, तो दे आर इंजीनियर्स. सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन देख के आप देखेंगे कि यू कैन कम अप विद दैट सॉल्यूशन विद दैट पर्टिकुलर योर सब्जेक्ट. अगेन दिस इज माय इनिशिएटिव, एज आई टोल्ड यू आई नेवर थॉट ऑफ, पिछले जो वाला मैंने काम किया है स्टार्टेड डिफरेंट डिफरेंट अगेन फॉर द लीगल एड कोर्ट मैनेजमेंट थिंग विद द हेल्प ऑफ कोर्ट मैनेजर स्टार्टेड लॉ टीचर्स इंडिया एंड रिसेंटली in Navratri time that real estate law that was you know initiated, different objective, different initiatives I have taken in last few years. So again not decided, there is open like, you know, we in India unfortunately very good, I was happy to know professor from the PDP who talked about faculty ko bhi barabar, they are also getting opportunity to start something. Hamare wahan faculty ko chalak kar raha hai, dimag nahi lagana, zyada nahi karna hai, jo bola utna hi karo, there is very unfortunate part. आप नया सीखेंगे तब क्लास में नया लेके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आप नया करेंगे, सो दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट. वी हैव टू बिल्ड अप दोस काइंड ऑफ यू नो द कल्चर एज अ सीनियर, ऑब्वियसली एनीथिंग एल्स कैन बी डन मेबी. अगेन नाउ फॉर द लीगल स्टार्टअप इनिशिएटिव आई स्टार्टेड एज आई टोल्ड यू फोकसिंग ऑन दिस इनोवेटिव. नाउ लुक एट दिस फाइव टीचिंग, आप देख सकते हैं लाइक देयर इज अ प्लेटफॉर्म, आई वाज टीचिंग इन पारन यूनिवर्सिटी, दोनों तरफ है एक अपना फ्रेंड गगनी, दे आर स्टूडेंट्स सॉरी फैकल्टी मेंबर. जनरली फर्स्ट सेकेंड ईयर मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है, बराबर करके मोस्ट ऑफ द यंग फैकल्टी जाते हैं पढ़ाने के लिए. सो इन दैट केस करके सो वन डे आई टोल्ड हिम मुझे जाना है फर्स्ट ईयर में, दैट वेंट एंड टॉक्ड अबाउट लीगल स्टार्टअप ये होता होता है, दे वांट अ स्पार्क से मुझे कुछ करना है, एंड दे कीप थिंकिंग घर पे भी ऐसा नहीं हमने बनाया देयर अंडर नो, एंड देन एनएफएसयू के वांट कंपटीशन आल्सो, सो दिस इज वेरी गुड थिंग, दे इंस्पायर्ड. मैंने बताया आई टॉक्ड अबाउट लीगल स्टार्टअप दिस दे गॉट एंड आई वाज रिमेंबर सी ही वाज सिटिंग इन द बैक सुन रहा है मुझे, आपको देखता है, राइट? आपकी एक्टिविटी देखी जाती है एंड देन दे फॉलो यू. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल हाउ कैन इंस्पायर योर स्टूडेंट्स विथ योर एक्टिविटी. खाली बोलने से नहीं होगा, ऐसा करो वैसा करो, इट वोंट वो और आपको बताना पड़ेगा. अनदर थिंग 26 अक्टूबर माय बर्थडे, एक बड़ा सा मैसेज है लिंक्डइन पे, ये लड़का है इज ए यंग लॉयर इन जयपुर, थैंक्स ये मैसेज किया सर, मैं अभी तक उससे मिला नहीं सर, आपको बहुत इंस्पायर किया, ही स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. तब बैठे बैठे नॉट इन क्लासरूम, आपकी जवाबदारी है बराबर क्लासरूम तक नहीं है, यू शुड बी अवेलेबल टू एनी वन एनी लॉ स्टूडेंट और एनी वन इन वर्ल्ड आई वुड से एज अ टीचर. आपने ये कुछ खोया होगा, आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा कुछ समय पर, उस समय में बराबर आप किसी को गाइड कर सकते, लिसन आई डोंट नो हाउ मेनी आर डूइंग, प्लीज डू इट. सो अगेन एज ए फैकल्टी ये रियल स्टोरी है, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता, वन ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम इंडिया नंबर वन इंस्टीट्यूट इज अ प्रोफेसर, राइट? लाइक यू कैन इमेजिन आई एम सी बंदा. सो इन दैट केस ही स्टार्टेड ही फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो एंड देन लॉट ऑफ यू नो इश्यूज आर देयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, वी हैव टू शेयर रेवेन्यू दिस एंड दैट. एंड रिसेंटली ही इज ऑन लीव, मैं छुट्टी पे बना, दे कैन गो ऑन लीव एंड देन ही इज वर्किंग ऑन आवर स्टार्टअप. तो ये चीज है, जब फैकल्टी हाउ कैन यू थिंक यू लेके कुछ कर सकते हैं, देयर आर इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज एंड अदर इंस्टीट्यूट, यू कैन गो ऑन सेबेटिकल, राइट? यू कैन वर्क ऑन योर आईडिया एंड कम बैक. सो दिस आर द थिंग्स शुड बी प्रॉब. सो अगेन आई कैन नॉट डिस्क्लोज इन देम, दिस इज अ रियल स्टोरी एंड देन कनेक्टेड विद मी फॉर लास्ट मोर देन अ डिकेड. नाउ हाउ मेनी ऑफ अवेयर अबाउट दिस करिकुलम गाइडलाइंस ऑन लाइफ स्किल, किसी ने देखा? यस और नो? एक दो और किसी ने देखा? किसी ने? यस सर, बहुत सारी चीजें लेके आती है यूजीसी एआईसीटी के बाद, हमें क्या मतलब है? तो सब्जेक्ट दिया 20 प्लस 4 पढ़ा के खत्म, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एक उसके मॉड्यूल है सॉफ्ट स्किल है और बिजनेस का ही मॉड्यूल है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट, ऐसा भी कुछ करना, यू कैन ट्राई टू इनकल्केट दोस थिंग्स इन योर करिकुलम. नाउ व्हाट यू कैन डू, लाइक आप कुछ भी पढ़ा रहे ट्राई टू इनकल्केट, लाइक यू नो small seminar course, value-added course, some talks, some training program. I also suggested faculty development program for the teachers,
how they can think about the legal startup. Entrepreneurial aspect. किसी ने कंपनी लॉ अभी तक पढ़ा, किसी ने कभी ऐसा बोला कि आप ड्राफ्ट कुछ करो, एमओए बनाने के लिए ड्राफ्ट करने के लिए, हैव यू ऐसा कुछ पूछा? द आंसर इज नो. व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज अ सेलिंग फीचर, कम ऑन यार, गिव सम यू नो 5-7 मार्क्स कुछ प्रैक्टिकल दो. आई रिमेंबर लास्ट एग्जाम आई गेव, ओके धोनी एंड सचिन वांट टू स्टार्ट अप द क्रिकेट एकेडमी पार्टनरशिप फ्रॉम, प्लीज गाइड मी. उसमें आप सीखो एंड देन आई डिस्कस पोस्टिंग इन क्लासरूम ऑल्सो एंड देन आस्क इन एग्जाम ऑल्सो. Right? So these are the anything, right? Some self autonomy. We are talking about what about some diwane, mood court. Karna hai. A lot of things are there. You can think in direction. Also, a lot of learn. We are what are you seeking? More than half of thing I have learned from students. इन लोगों को ज़्यादा idea होता है. मैं इतना बूढ़ा भी नहीं, जवान भी नहीं, I am in between. So ये learning, what about सीखने का रखो. कोई भी लड़का आता सीखता है, lot of very good idea. Now look at this. I will conclude with last night. Last night I was thinking we can divide our teachers in three way. पहले है chalk and board वाले. ऐसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा खराब है. ठीक है chalk and board वाले करके चले गए क्योंकि हम तो जाते थे बस बैठे ना मोबाइल होता था ना किताबें होती थी जो सर बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं. Second thing, second category I would say the category like somewhat tech savvy, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करानी different हमारे वहाँ जैसे sorry वोट एक्टिविटी, डिबेट एक्टिविटी, चोपड़ा कुछ सारा डोंट ऑफेंड सॉरी राइट एनीवन डिफरेंट एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग. थर्ड वी नीड अ लॉट टीचर्स आई वुड से विद अ एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड. यू हैव टू बिकम अ टीचर प्रेन्योर. ठीक है सो थैंक यू वेरी मच. सॉरी मैंने